सफेद बालों से परेशान हैं, बालों को काला करना चाहते हैं। बालों को काला करने के लिए यदि किसी ऐसी चीज की तलाश में है दोस्तों, जिसे बनाना आसान हो, जिसे लगाना आसान हो और जिसे छुटाना आसान भी हो और रिजल्ट 100% मिले, सफेद बाल की समस्या जड़ से समाप्त हो जाए, बालों का झड़ना बंद हो जाए, बालों की लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाए दोस्तों। तो जो लोग लंबे समय तक बालों को काला बनाए रखना चाहते हैं या जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, वे बालों को काला करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ दोस्तों मस्टर्ड सीड, जिसे हम लोग राई बोलते हैं, सरसों भी कहा जाता है। बड़े दाने वाली, बारीक दाने वाली जो भी राई का, मस्टर्ड सीड का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वही मस्टर्ड सीड्स लेना है। इसका इस्तेमाल हम लोग सब्जी के बघार में, दाल के बघार में करते हैं। ये इतना पावरफुल है दोस्तों, इसी से तो सरसों का तेल बनाते हैं, तो क्यों ना हम इन बीजों का ही डायरेक्ट इस्तेमाल करें अपने स्कैल्प पर। सरसों के तेल का इस्तेमाल पुराने समय से ही बालों को काला, घना और लंबा करने के लिए किया आता जा रहा है, और इन्हीं बीजों से, इन्हीं मस्टर्ड सीड से ही सरसों का तेल बनाया जाता है मशीनों के द्वारा। आज मैं आपको इसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल बता रही हूँ दोस्तों, इससे आपके हेयर फॉलिकल मजबूत होंगे और मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। यहाँ पर इन सीड्स को मैंने पीस लिया है, लगातार अगर पीसेंगे ना तो इसका ऑयल निकल जाएगा, थोड़ा ये चिपचिपा सा हो जाएगा, केक फॉर्म में आ जाएगा। इसे थोड़ा मैंने इसे रोक रोक कर पिसा है ताकि थोड़ा ये पाउडर फॉर्म में रहे। मस्टर्ड सीड पाउडर को किसी भी डिब्बी में स्टोर करें ताकि बार बार इतनी मेहनत करना ना पड़े, हम मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए तो बाजार से केमिकल वाला डाई लाते हैं, फटफट लगा लेते हैं। परंतु कभी ये नहीं सोचा दोस्तों कि ये हमारे बाकी बचे कुचे काले बालों को भी सफ़ेद करता है, बाजार का केमिकल वाला डाई। नेचुरल चीज़ों का ही आपको इस्तेमाल करना। यहाँ पर सरसों का पाउडर बिल्कुल बनकर तैयार है। ये है हमारा मस्टर्ड सीड पाउडर, सरसों के दानों का पाउडर। अब इसे मैं एक डिब्बी में स्टोर करूंगी, केवल 2 चम्मच आपको लेना है, इतना सारा नहीं लेना है। अगली चीज़ सरसों के इस पाउडर को भिगाने के लिए मैं लूंगी आंवले का पानी। आप चाहें तो आंवले को लोहे के बर्तन में रात भर भिगाकर रख दें, 2 चम्मच, छोटे से टुकड़े इसके जो है ना, फांक आंवले की। मैं हमेशा आंवले को सुखाकर घर पर स्टोर करके रखती हूँ। चाय पत्ती का पानी ले लें, 2 चम्मच चाय पत्ती और 1 बड़ा चम्मच भरकर आंवले के टुकड़ों को लोहे की कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालकर रख देना है, ताकि आप मस्टर्ड सीड को इस आंवले के पानी में, चाय पत्ती के पानी में भिगा सकें। ये देखें तो चाय पत्ती और आंवले का पानी तैयार है। मैंने लोहे के बर्तन में आंवला और चाय पत्ती को रात भर डालकर छोड़ दिया था उबाल कर, बॉइल करके। सुबह उठकर मैंने इसे छान लिया है और ये मेरा आंवले का टॉनिक बनकर तैयार है, जिसमें टी लीफ वाटर भी मिक्स है। इससे अब मस्टर्ड सीड को भिगाना है। इतनी पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, आप एक बार इस्तेमाल तो करें। आप लोग बोलेंगे अरे वाह क्या रेमेडी बताई है मैंने, तो ये देखें राई की जो दाल है, मस्टर्ड सीड पाउडर है, बाकी का मैं डब्बे में स्टोर कर रही हूँ और अभी मैंने यहाँ पर 4 छोटे चम्मच इस्तेमाल किया है। आप कम लगाते हैं, बाल छोटे हैं तो 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंवले का पानी, चाय पत्ती का पानी, जिसे मैंने लोहे के बर्तन में बनाया है, हमेशा लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें। कोई भी हेयर डाई बनाएं, आंवला अपने डाई को लोहे के बर्तन में बहुत अच्छा रिलीज करता है और लंबे समय तक बालों में कालापन रहता है। इसे कम से कम आधे घंटे भिगाकर रखें, ताकि मस्टर्ड सीड पाउडर अच्छी तरह से इस आंवले के पानी में भीग जाए, सोख हो जाए। इसके बाद आप 1 घंटे रखें, आधा घंटा रखें, जैसा भी आपके पास टाइम है वैसे रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद छानने के बाद ही इस्तेमाल करें। बिना छाने इस्तेमाल करेंगे ना तो राई के या सरसों जो है, सरसों के जो पाउडर है दोस्तों, उसके छिलके जो हैं वो बालों में अटकेंगे, उसके ग्रैन्यूल्स। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चाय वाली छन्नी से इसे छान लिया है, जो भी ग्रैन्यूल्स बचे हैं दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो क्या होता है, हम लोग हेयर पैक लगा लेते हैं, अगर उसमें बारीक बारीक टुकड़े, तिनके होते हैं या ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो हमारे बालों में अटक जाते हैं और फिर हमें निकालने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए छानने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। इतनी पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, आपके बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगी, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगी, नए बालों को उगाने में मदद करेगी। सप्ताह में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यदि बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं। यदि मेरे जैसे थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद हैं, 10-15 बाल ही सफ़ेद हैं, तो सप्ताह में 1 बार, वीक में 1 बार इसका इस्तेमाल करना है आपको।
आप इसे लगाने के लिए कोई कॉटन पैड ले लें, आपके पास रुई है वो ले लें, नहीं तो अपनी उंगलियों की मदद से इस टॉनिक को पूरे बालों की जड़ों पर लगाना है। जो बच जाए उसे बालों की लंबाई पर लगाएं। मैंने बाकी का मस्टर्ड सीड पाउडर को एक डिब्बी में भरकर रख लिया है ताकि नेक्स्ट वीक जब मैं लगाऊं तो मुझे सरसों को पीसना ना पड़े। तो ये देखिए, चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। दोस्तों पूरे जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाएं। इस तरह का कोई ड्रॉपर है तो इसकी मदद से भी आप अपने बालों के बीच में पार्टीशन करते जाएं और अपने पूरे स्कैल्प पर लगाएं। आज मैं खुद 57 ईयर की हूँ दोस्तों, और मेरे देखिए आप सिर्फ माथे के पास के ही कुछ कुछ बाल सफ़ेद हैं, ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं जब भी आपके लिए डाई बनाती हूँ वही अपने बालों पर इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। तो मुझे सफ़ेद बालों की समस्या आज इतनी उम्र होने पर भी नहीं हुई है, या फिर आप कह सकते हैं मेरे सिर्फ कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं। थोड़ा थोड़ा समय कॉटन से इसे लगाती जा रही, कॉटन को डिप करती जा रही हूँ और कॉटन को अपने स्कैल्प पर स्क्वीज़ करती जा रही हूँ ताकि पूरी जड़ों तक के जा सके। हल्के हाथों से इसे जैसे तेल मलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। ज़्यादा ताकत से मसाज नहीं करना है। इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मस्टर्ड सीड तो आपको पता है सरसों का तेल कितना फ़ायदेमंद होता है, और उसके बीजों का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि तेल निकाला जाता है। मैंने डायरेक्ट उसका पाउडर का इस्तेमाल किया है। बाल काले होंगे, बाल घने होंगे, डैंड्रफ की समस्या दूर होगी। मस्टर्ड सीड जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, रूसी की समस्या दूर होगी, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा ये हेयर टॉनिक। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे बाल बहुत ज़्यादा सूखे होते हैं, हम लोग तेल नहीं लगाते, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और इसमें तो मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल से भरपूर है। ये इतनी बढ़िया रेमेडी है, आधे घंटे लगा कर रखें। आप चाहें तो इसे 45 मिनट भी लगा कर रख सकते हैं। इसके बाद प्लेन वाटर से हेयर वॉश करना है आपको। शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आंवला डाला है, आंवले के पानी से मैंने राई के पाउडर को भिगाया है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है आंवला। तो सारी चीज़ें मैंने हेल्दी चुनकर ली हैं, रिजल्ट तो 100% मिलना है। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।